तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन। आप सभी स्टूडेंट के लिए, सभी छात्रों के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है खुशखबरी अपडेट्स जानकारी निकल के आ रहा है। और छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं और इसके सीधा सीधा लाभ, सीधे सीधे बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में जो है जुट जाइए, क्योंकि एक के बाद एक आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में व्यापम में इस समय आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज जो है आने वाला। यदि आप अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप ही लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। जब नोटिफिकेशन जारी होता है उस समय यदि आप स्टडी करते हैं तो आपके पास जो है काफ़ी कम समय होता है, बहुत ही कम समय होता है, लिमिटेड समय होता है। तो आप लिमिटेड समय में जो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे स्तर पर नहीं कर पाएंगे तो अभी आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण वैकेंसीज आपका जो है छत्तीसगढ़ में EDO, जी हाँ, अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड अगर कोई वैकेंसीज है तो वो EDO का वैकेंसीज है। EDO के जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है कि 250 पदों पर EDO सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का आपका जो है छत्तीसगढ़ CG व्यापम में आपका एग्ज़ाम होना है। और इसके अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आप EDO अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्नातक की डिग्री आपका कंप्लीट है, तो आप जो है EDO भर्ती परीक्षा के लिए आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि जो है देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ और अन्य वैकेंसीज़ के बारे में, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें इसके बाद, तो है आपके हॉस्टल वार्डन का, जी हाँ, छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आ रहा है। टोटल जो है 400 पदों पर वैकेंसीज होगा और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जनरल OBC SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है और आप जो है किस तरीके से जो है आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आराम से जो आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स में, यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, आराम से जो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आमीन पटवारी के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई विभाग में आमीन पटवारी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आ रहा है। आमीन पटवारी के टोटल 288 पदों पर आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। तो आमीन पटवारी आपका जो है सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, तो आमीन पटवारी का भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पटवारी, आमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। और आमीन पटवारी बनने के लिए 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, यदि आपने ITI कोपा किया, DCA किया, PGDCA किया, BCA किया, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है। इसके साथ जो है छत्तीसगढ़ में और काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी हैं आपके RI का वैकेंसी है, राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो यदि आप RI बनना चाहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट से हो, इसके लिए भी आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, फिर आप ये जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा और आप जो है छत्तीसगढ़ व्यापम में, CG व्यापम में
बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है वैसे रूप से हो सकता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापा मेक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है और आपको कोई भी इसमें परेशानी जरा से भी नहीं होगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना, आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना, यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा और आपको इसमें कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा कीजिए, समसामयिक घटना चक्र के बारे में जितना ज़्यादा आपको जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स सीजी करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए, सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आप जो विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं, इसके साथ ही आप जो अर्जुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। तो सीजी करंट अफेयर्स के नाम दोनों से तैयारी कर सकते हैं और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के नाम जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी और आपको करंट अफेयर्स के बारे में कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बस मेहनत अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है, यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तैयारी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कामयाबी कोई भी सफलता मिलने वाला नहीं है और कुछ ही मौके होते हैं जो ज़िंदगी में आपको शायद एक ही बार मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम की स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए और इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर हम सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू, आने वाले समय में एक के बाद एक नई नई वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आ देंगे और सबसे महत्वपूर्ण है टीचर्स के 12,489 पदों पर भी वैकेंसी आने वाला। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, आपको सफलता कामयाबी सक्सेस जरूर मिलेगा।